the channel. So today we are going to do our back workout. So before starting our workout, we'll do some warm-up exercises and after that we'll do our workout. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love. The next exercise we are going to do after our pull-up sets is bent over rows. Bent over rows में हम तीन sets लगाएंगे, तीन sets और 12 repetitions each set में लगाएंगे। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? इसमें मैं दोनों side 10-10 किलो की दोनों plates use कर रहा हूँ, like 20 kg each side। आपने क्या करना है? आपको अपनी strength के according अपना weight adjust करना है। अगर आप 10 kg की strength है, तो 10 kg ही use करें। क्योंकि ज़्यादा weight लगाओगे, लगेगा नहीं। You don't have to use your motivation in that, okay? तो मैं अपने हिसाब से weight adjust कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से करो। धीरे-धीरे हम strength gain करेंगे, और उसके हिसाब से हम फिर लगाएंगे। तो अभी start करते हैं। मैं first set लगा रहा हूँ अपना। First set के बाद देखते हैं। Next set में हम weight increase करेंगे या नहीं करेंगे। Done with our first set. Next set में weight बढ़ाएंगे थोड़ा। Moving on to our next exercise, we are going to do one arm dumbbell rows. Dumbbell rows में क्या करना है? मैं आपको पहले position बता देता हूँ। Position में क्या रहेगा? हमारा एक हाथ तो यहाँ पे रहेगा। हमारे body को ना ज़्यादा पास लेगा ना, ना पीछे लेगा ना। हल्का सा bend होना है। तो medium से position पे body रहेगी। एक हाथ यहाँ पे, एक पैर पीछे, ताकि body stable रहे। इसमें back को straight रखना है, pelvic region है तो आपका, उसे अपने को fix रखना है। उसके बाद फिर grab the dumbbell। और नीचे हमें पूरा लैट एक्सपोज करना था, लैट खोला और पीछा तो हल्का सा डंबल बेंड होगा और ये स्क्वीज करना, अगेन खोलो एंड देन स्क्वीज। इसके हम क्या करेंगे? इसके हम टोटल चार सेट्स लगाएंगे, चार सेट 14 रेपिटेशन ईच। 14 रेपिटेशन लाइक 14 रेप्स राइट हैंड, 14 लेफ्ट हैंड, ऐसे करके हमारा एक सेट कंप्लीट होता है। हमें टोटल चार सेट लगाने हैं उसके, और चार सेट के बाद उसके बाद फिर हम लास्ट सेट रखेंगे जो फोर्थ सेट हमारा। फोर्थ सेट को हम ड्रॉप रखेंगे, लाइक इफ यू आर गोइंग टू डू आर सेट फ्रॉम लाइक 25 kg, तो हम उसके तीन रो जाएंगे 25 kg पे 10 रेप्स। उसके बाद विल डू आर ड्रॉप एंड उसके बाद हम जाएंगे 15 kg सीधा 10 kg ड्रॉप, 15 kg पे 10 रेप्स और उसके बाद फिर ड्रॉप करके 10 kg पे 5 रेप्स। ऐसे करके हम अपने इस वाले एक्सरसाइज को खत्म करते हैं।
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब हमने डंबल आर्म रोज कंप्लीट कर लिया. अब डंबल्स के बाद हम चलेंगे लैट पुल डाउन वाली मशीन पे. लैट पुल डाउन पे हम चार से चलेंगे, इसमें हम ड्रॉप नहीं करेंगे. वैसे जनरली मैं इसमें ड्रॉप कर लेता हूँ, लेकिन आज ड्रॉप नहीं कर रहे क्योंकि इसके बाद हमें हेवी पे जाना. तो लैट पुल डाउन के हम चार सेट लगाएंगे, चार सेट और चारों में 12 रेपिटेशन मिनिमम निकालेंगे. तो जो लास्ट सेट हुआ, लास्ट सेट में हम वेट को थोड़ा सा कम करेंगे और उसको हम 15 रेपिटेशन लगाएंगे. तो अभी सेट कम्प्लीट कर दें उसके बाद आगे. जैसे मोस्टली लोग पकड़ते हैं यहाँ से बिल्कुल वाइड, हमें बिल्कुल वाइड नहीं पकड़ना, क्योंकि वाइड लोग कहते हैं कि इतना चौड़ा पकड़ोगे आपकी बैक वाइड होगी, वाइडर बैक के लिए लैट ज्यादा खुलते. ऐसा नहीं होता, जितना हम चौड़ा पकड़ेंगे उतना हमारा इनर बैक चाहिएगा. हमें पकड़ना जो कर्व होता है लैट के लिए, जो रॉड द कर्व है, हम कर्व को पकड़ेंगे, इससे हमारा लैट पूरा स्प्रेड होगा. जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर हम ये लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे आके रुक गया, हमारा लैट खुल गया, ऊपर आते हुए हमारा लैट पूरा खुला है. लेकिन अगर हम इसकी वजह से हम ये करेंगे तो इसमें हमारा लैड एंगेज नहीं होगा, बल्कि नीचे आते हुए हमारी इनर बैक स्पीड होती है. तो हमें वो नहीं करना, अपना नॉर्मल यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से लगा के हम 12 रेप कम्प्लीट करेंगे. क्योंकि जितने आपके बड़े लैड्स होंगे जो डेफिनेशन आएगी ना उतना अच्छा आपका वी दिखेगा बैक. तो मेन पर्पज बैक का सब लगाते हो, कहते हैं छिप और वी बैक चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है. इसमें आपके लैड्स को पूरा एंगेजमेंट हो जाए, आपके लैड्स का मतलब पूरा आपका कॉन्टेक्ट होगा, पूरा स्क्वीज होगा, वो करना है हमें. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हैवी वेट नहीं लगाना है. तो पुली लेंगे, पुली टेबल पे लगाएंगे बिल्कुल नीचे करके, इसे उसमें हम हैंडल डाल देंगे और वेट हम रखेंगे 5 किलो 10 किलो 15 किलो मैक्स है इसमें, क्योंकि हमें अपनी मसल को पूरा फील करना है. तो फर्स्ट सेट मैं अपना लगा रहा हूँ 10 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो 10 kg पे मैं लगाऊंगा, चार सेट लगाता हूँ आज, चार सेट. तो थर्ड सेट में 14 रेपिटेशन लगाने हैं, इसके 14 रेपिटेशन ईच हैं. तो हमें अपना पूरा लैग फील करना है. कैसे करना है मैं आपको पहले फॉर्म बताता हूँ. जैसे हमने हैंडल ले लिया, उसके बाद एक स्टेपर ले लो, अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो वेट्स अरेंज कर सकते हो, लाइक 2-3 प्लेट अरेंज कर दो, थोड़ी सी हाइट पर आ जाएगी. हाइट पर आने के बाद मूव ऑन टू द स्टेपर और थोड़ा सा बेंड हो जाना है. बेंड होने के बाद कमर हमारी हर एक्सरसाइज होगी स्ट्रेट रहेगी. आर्म को पूरा खोलना है, पूरा खोला आपका लैट है जो लैट पूरा स्प्रेड हो जाएगा. लैट पूरा स्प्रेड होने के बाद आगे उसके बाद धीरे धीरे, जिसको हम डंबल रोज नहीं कर रहे थे, लेकिन आगे से पीछे ले जाना है और पीछे हमें लैट को पीछे की साइड बेंड करना है. हमारी बॉडी बेंड नहीं होगी, लेकिन सिर्फ लैट की वजह से आगे गए उसे धीरे धीरे आ रहे हैं लैट ये स्पीड. उसके बाद होल्ड करना है एक सेकंड, उसके बाद आगे धीरे 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 पूरा स्प्रेड ऐसे करके हमें दोनों हाथ से 14 रेपिटेशन लगाना है. स्टार्ट करना है. उसके बाद सेम उसी फॉर्म से दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में अगेन या अगर उसके बाद हम सेम उस हाथ से लगाते हैं. तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया. ऐसे करके हम टोटल 4 सेट लगाएंगे. इसमें आपको देखना आपका लैग को अगर कितना अच्छा फील आता है, और अगर आपको फील नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा और स्लो कर दो, जो आपका रेंज ऑफ मोशन है उसे बढ़ा के, जो आपकी स्पीड है ना उसे स्लो कर दो. तो आगे करके पीछे तो आप यहाँ पे हाथ लगा सकते हो लैग पे, तो फिर स्पीन करके आँखें बंद करके धीरे धीरे करो, आपको फील जरूर होगा. ट्राई करो. सो मूविंग ऑन टू आवर फाइनल एक्सरसाइज, दैट इज डेडलिफ्ट. डेडलिफ्ट में हम कन्वेंशनल डेड लगाएंगे.
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, कि कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे मसल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप जो मशीन पे जितना जोर लगाओगे ना, उतना अगर आप कंपाउंड मूवमेंट पे सेट पे अगर आप उतना जोर लगा रहे हो ना, देट विल हेल्प यू मोर। तो डेडलिफ्ट के हम क्या करेंगे, डेडलिफ्ट के 5 सेट लगाएंगे और 5 सेट में हमें और सेट्स की तरह इसमें 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन ऐसे लगाना, 5 सेट with 6 रेपिटेशन ईच। अभी मैंने बैक का ऑलमोस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, तो माई बॉडी इज़ वार्म्ड अप और मैं हमेशा अपना बैक वर्कआउट डेडलिफ्ट से ख़त्म करता। तो इसमें आई स्टार्ट विथ 100 kgs, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट डालो और उससे आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। तो इसमें हम 100 kgs पे लगाएंगे, उसके बाद विल गो टू 120, देन 125, देन 130 एंड द फाइनल सेट विल बी 135। तो टोटल हम 5 सेट लगाएंगे इसमें। और अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक बार अपनी फॉर्म समझा देता हूँ, क्योंकि डेड में सबसे ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें बैक पेन हो जाता है, वो अपने बैक को स्ट्रेट नहीं रखते, मोड़ देते हैं। तो जो फॉर्म है, फॉर्म मोस्टली लोग गलत करते हैं। तो अभी मैं आपको फॉर्म समझाता हूँ, इस फॉर्म में आप अपना सेट कंप्लीट करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। मैं बताता हूँ, जैसे आप आओगे सूमो डेडलिफ्ट होती है, सूमो में हम पैर चौड़े कर लेते हैं, पैर चौड़े नहीं करने, पास रखो, मोस्टली हमारे जो शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स के बराबर में पैर आएंगे, इतने खोलने, ज़्यादा नहीं खोलने। उसके बाद अगर आपका वेट हल्का है, आप ये वाली ग्रिप ले सकते हैं, लाइक दोनों हाथ ऊपर से पकड़ोगे, अदरवाइज एक हाथ नीचे से एक ऊपर से, रॉड को ऐसे ग्रिप करो। और ऐसे ग्रिप करने के बाद आपने मान लो रॉड ग्रिप कर लिया, उसके बाद ऐसे रहने के बजाय हिप्स को नीचे लेके जाओ, हिप्स नीचे रहेंगे, अपर बॉडी ऊपर, बैक स्ट्रेट। जो ये इस पोजीशन में लॉक करने के बाद ग्रिप ले ली, और आपको अपनी बैक से यूं नहीं खींचना है, लाइक लोग क्या करते हैं ऐसे आते हुए कमर मोड़े रखेंगे और यूं आए, यूं नहीं करना, बैक स्ट्रेट रहेगी। यू हैव टू पुश द ग्राउंड फ्रॉम योर लेग्स, हाथों को सिर्फ एज अ हुक यूज़ करो। एज अ हुक यूज़ करने में कैसे आएगा, अभी जैसे रॉड को मैंने एज अ हुक ले लिया, उसके बाद बैक फिक्स है, अब ये रॉड को सिर्फ ग्रिप कर रहे हैं। अब मैं अगर ग्राउंड को पुश करूंगा तो ऐसे ये बस मेरी कमर सीधी रही, ग्राउंड को पुश किया, ये एज अ हुक रॉड को उठा रहे हैं, उसके बाद सेम मूवमेंट नीचे बस। ऐसे करके हम 6 रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेट करेंगे। और हर सेट के बीच में जैसे कंपाउंड मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट्स हैवी होते हैं, तो हर सेट में हम 1 मिनट का रेस्ट कम से कम लेंगे, 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट सेट। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला अपना फर्स्ट सेट। तो दिस इज आवर फर्स्ट सेट, हैवी था भाई, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगा लेना। इसके बाद हम 4 सेट और बचे, वो कंप्लीट करके हम अपना कूल डाउन करेंगे, मतलब हम थोड़ा सा कार्डियो करके फिर ख़त्म करते हैं वर्कआउट। सो वी आर डन विद आर बैक वर्कआउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, विल बैक विद अनदर वीडियो सून।